गाइस, परसों यहाँ पर मैं अपनी एक वीडियो शूट कर रही थी जो आई गेस आप लोगों ने अभी तक देख ली हो, व्हाट्स इन माय बैग। और उसमें मैं शो कर रही थी कि मेरे बैग में क्या क्या है, एंड मेरे एयरपॉड्स उस समय दिखाते हुए यहाँ पर गिर गए थे। एंड अभी मैं देख रही हूँ कि पिछले 2-3 दिन से वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। एंड फिर आज मैंने एप्पल स्टोर में बात करी, एक्चुअली अभी मेरा अपॉइंटमेंट है तो वो लोग देखेंगे, चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आई है। एक्चुअली उस दिन से वो चार्ज ही नहीं हो रहे हैं, तो मैंने अपनी दीदी को बताया, जीजू को बताया, तो फिर अपॉइंटमेंट मिली है। तो अभी मैं जा रही हूँ नेसविल्ला रोड पर उनको दिखाने, देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। सो वैसे तो वो वारंटी पर हैं, अगर हो जाते हैं ठीक तो गुड, और अगर नहीं होते हैं तो पूरे 20,000 का लॉस मुझे होने वाला है। अभी मेरे बर्थडे पे मेरे को गिफ्ट मिले थे, सो या अगर सही होते हैं तो थैंक गॉड, और नहीं होते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हूँ। अगर नहीं हुए तो सब लोग मेरे को सुनाएंगे। तो अभी फटाफट चलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग, क्या कुछ चेक करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, एंड सीधा चलते हैं, मैं और करिश्मा जा रहे हैं। सो सोचा व्लॉग कर लूँ, 20,000 के नुकसान में एटलीस्ट व्लॉग तो बनता ही है। सो या अभी चलते हैं, एंड मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, लग रहा है एक्चुअली। सो लेट्स गो गाइस। गाइज, आप बिना अपॉइंटमेंट के भी आ सकते हो, बट आफ्टर लंच। सो अभी यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट ले लिया है, उन्होंने बोला सर्विस के लिए जाएगा, सो 7-8 दिन में मुझे पता लग जाएगा। सो अभी मैं जा रही हूँ पल्टन मार्केट करिश्मा के साथ, और मेरे थोड़ा सा धक धक हो रहा था, बट चलो ठीक है, वो वारंटी पे भी था। अभी मार्केट चलते हैं, एंड देन वहाँ एक्चुअली मार्केट इसलिए जाने क्योंकि मम्मी का कोई सामान लेना है, तो आप लोग को मार्केट दिखा दूंगी और सामान भी हो जाएगा। हाय गाइस, आज मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ है ना, लिटरली हमें घंटा घर से यहाँ पर आने के लिए पूरा 1 घंटा लग गया, बहुत ज़्यादा जाम है आज। और अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं मोमोज़ खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है एक्चुअली, वो अपॉइंटमेंट के चक्कर में भी, और आधा से ज़्यादा तो मैं नर्वस थी करिश्मा का भूख से मुँह। सो गाइस यहाँ खा रहे हैं मोमो, चाउमीन यहाँ खाएंगे, मोमोज खाने आए थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है, क्या झमाझम भीड़ हो रखी है यहाँ पे भयंकर, मोमोज चाउमीन खाने के लिए। बाल भी बांध दिया हमने भीड़ में, बहुत ही यम्मी दिख रही है भाई मोमोज। 3 घंटे बाद, नहीं सिर्फ 3 मिनट बाद, और करिश्मा ने चाउमीन भी खा दी है। बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ भाई आज मैं, और वॉइस भी दे रही हूँ, करिश्मा का मुँह ही मुँह नहीं आ रहा। यहाँ पर करिश्मा 200-200 रुपए के सलवार लेते हुए। करिश्मा तू तो H&M से शॉपिंग करती थी, तू क्या कर रही है यहाँ पे? करिश्मा ने पहली शॉपिंग कर दी है लोअर, और ये देखो क्या भाग रहे हैं ठेली वाले, क्योंकि पुलिस वाले आ गए। पुलिस के डर से कैसे भाग रहे गाइस सब लोग, ओ माय गॉड, ये देखो पुलिस वाले आ गए, वो देखिए गाइस पुलिस वाले अंकल ने उनको मार दिया, बाप रे लठ लठ से। अरे अलाउ नहीं है ना स्टॉल लगाना, भयंकर कितने जोर से मारा उनको, वो देखो बाप रे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पाइनएप्पल जूस नहीं पीऊंगी, और करिश्मा मुझे फोर्स कर रही है, बट मैं फिर भी नहीं पीऊंगी, मेरा मन नहीं है गाइस बिल्कुल भी आज। मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है यार आज, भयंकर समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से लेना है। मुझे ये स्वेटर पसंद आई है, ये 200 की है बाहर में, जितनी भी सारी स्वेटर है आप देख रहे हैं ये सब 200 की है, और जो अंदर है वो 300 रुपए की है। ये वाली दुकान में बहुत ही प्यारी प्यारे कलेक्शन गाइस, और मैंने भी ले लिया, 200 रुपए की थी, तो ये 200 रुपए की थी, मैंने 150 के लिए। अगर आपको कोई भैया सस्ता ना दे तो आप बस ये बोल देना कि भैया आपकी दुकान से ही लेती हूँ, वो पहले 200 रुपए का दे रहे थे, देखा मैंने 150 का करा दिया उसको, इतनी ज्यादा भीड़ है भाई। मम्मी के काम के चक्कर में हम पूरा मार्केट घूम रहे हैं, पता नहीं ये एड्रेस हमको कहाँ मिलेगा, मम्मी ने कहाँ अपनी सूट दिया भयंकर। 2000 years later यहाँ दिया था मेरी मम्मी ने अपना सूट, पूरा मार्केट हमने घूम लिया, अब जाके ये मिला है दून फैशन। सो गाइज, आप सब लोग बोलते रहते हो मम्मी के साथ प्रैंक करो प्रैंक करो, तो अभी हमने मम्मी को कॉल करा और मम्मी को हमने बोला कि वो दुकान मिल ही नहीं रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं घर में जाऊँगी तो मैं ना साइड में फ़ोन रख दूंगी और मम्मी का रिएक्शन देखूंगी, मम्मी को बहुत किल्स, मम्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा किल्सी हुई कि हमको उनका एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो उनका रिएक्शन देखना। तो गाइज हम मम्मी के साथ प्रैंक कर रहे थे, बट यहाँ आकर हमारे साथ ही प्रैंक हो गया, मम्मी का एक सूट सिला ही नहीं है सच में, हमारी वीडियो आपने आधी करवा दी भैया, हम क्या मम्मी से प्रैंक करने वाले थे और आपने हमारा ही कर दिया। अच्छा, क्या कह रहे थे? आज हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं शॉपिंग करते हुए, अब हम जा रहे हैं ऊपर क्लॉक टावर की तरफ,
एंड ऑलमोस्ट शॉपिंग इज डन। पूरे मार्केट में विंटर कलेक्शन आ चुके हैं। यहाँ पर से मैंने लिया है 200 रुपए का टॉप, जो कि मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा है, पर 200 रुपए का बहुत महंगा लग रहा है यार मुझे। आज पता नहीं इतना ज्यादा भीड़ क्यों है मार्केट में। लाइक सारा त्योहार तो खत्म हो गया, फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ है ना। अभी आपको दिखाती हूँ, रुको बैक कैमरे से। सो जाते हुए हमने मोमोज खा लिए थे और फिर आते हुए हमने कुछ भी नहीं खाया। और अभी हम रायपुर में ना, रायपुर में हमने सोचा था मोक्ष में जाएंगे, वहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे, बट बहुत लड़ाई हो रही थी। तो अभी हम मोक्ष से आगे आए, रायपुर चौक से आगे। एंड यहाँ पर एक आइसक्रीम की शॉप है जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की सारी आइसक्रीम जो है सर्व करते हैं। तो अभी मैं ऑर्डर लेके आई हूँ करिश्मा भी। फ्रेंड्स, ये है टूटी फ्रूटी और ये है बटर स्कॉच। काफ़ी यम्मी हो रहे हैं। दवाई जैसी हो रही है, बचपन में दवाई होती है ना, मैं सामने है पंचूस, अंगेठी, बाबा कुल्लड़ पिज्जा और यहाँ पे सोया चाप। सो मैं जो है यहीं से सोया चाप खाती हूँ जब भी खाती हूँ। हाय गाइस, सो आज के वीडियो का मैंने इंट्रो भी नहीं शूट करा, क्योंकि आप सब लोगों को पता है मैं कैसे सिचुएशन में उस टाइम पे मार्केट गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी यार। 20,000 रुपये कम नहीं होते हैं। अभी भी मैं मतलब नर्वस हूँ, बट ठीक है, वो लोग लेकर गए हैं। वो वीडियो का ना मैं अपडेट आपको बाद में दे दूंगी, क्योंकि 10 दिन तक तो ये वीडियो रोक के नहीं रख सकते। तो किसी और वीडियो में मैं बता दूंगी कि मुझे वो मिले या नहीं मिले। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अब हम करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, जो भी हम पल्टन मार्केट से, जो भी आज हमने पल्टन मार्केट से शॉपिंग करी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं विद प्राइस। आप भी कुछ बोलिए। सो ये सबसे पहले मेरे पास है ये बहुत ही प्यारी स्वेटर। तुझे कैसी लगी? ब्यूटीफुल। सो ये हाफ स्वेटर है। एक्चुअली ऐसी स्वेटर मैं बहुत देख रही थी अमेजोन पे, बट बहुत महंगी महंगी बता रही थी। और ये हमें वैसे तो 200 रुपये बोला था, बट मैंने 150 बोल दिया था, तो कर दिया था उन्होंने। कभी कभी करते हैं, हाँ जब आप अच्छा सा मक्खन लगाओ तभी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, क्योंकि बाहर स्टॉल में सेम प्राइस के लगे रहते हैं, लाइक 200 या फिर 150 रुपये। तो ये 150 की है, काफी प्यारी लगी मुझे ये। तुझे कैसी लगी? तू भी बोलना, तू भी बता मुझे कैसी लगी। हाँ, लाइक जॉनसार टाइप ऐसा फील आ रहा है इसको देख के। हाँ ये तो गई है जॉनसार। और नेक्स्ट है ये पिंक कलर का लोवर, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इसका जो मटेरियल है ना वो काफी अच्छा लगा। सो ये करिश्मा का है। ये एक्चुअली कितने रुपए का ये प्राइस क्या इसका? 150। हाँ सो इसका प्राइस है 150। अगर आप इसको सेट में लेना चाहते तो 300 रुपए का है। एक ये ब्राउन कलर का लिया है इसने, ये भी 150 रुपीज का ही है। एंड नेक्स्ट जो है वो है मेरी स्वेटर। सो ये काफी कोरियन टाइप की स्वेटर है। कोरियन टाइप की नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, कोरियन स्टाइल। हाँ कोरियन स्टाइल है। काफी चल रहा था ये कलर। फिर प्रिंट कुछ ऐसा प्रिंट मेरे पास, कुछ ऐसा प्रिंट मेरे पास है भी नहीं। एंड मैंने सोचा ट्राई किया जाए, करिश्मा को भी ये पसंद आई थी। तो इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 200 सर। हाँ 200 रुपए है। एंड और हमने ये बाहर से ली बाय द वे, और उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। जैसे कि मैंने, ज्यादा गर्म है और सॉफ्ट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ठंडियों के कपड़े आप पल्टन मार्केट से ही लो, मतलब वहाँ अच्छे अच्छे क्वालिटी मिल जाती है। और इससे भी पतली है मेरी, जो मैं विशाल मेगा मार्ट से लेके आई ना, और 600 रुपए की, तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा। एंड एक है ये करिश्मा का पूरा सेट, इसके कलर काफी प्यारे हैं। सो ये 300 रुपए का सेट है, कलर काफी अच्छा है इसका। फर्स्ट टाइम इसकी चॉइस कुछ अच्छी लगी है मुझे। और इसमें तो गाइज मम्मी के, वो मम्मी की सूट है, आप ये देख सकते हैं ऐसे करके। मैं मम्मी के कपड़े सॉरी नहीं दिखा सकती हूँ। सो आज हमने इतना ही सामान लिया है, और ये मैडम बोलने के लिए कुछ तैयार है नहीं, बस कैमरे की तरफ देखी जा रही है। सो या एंड इस वीडियो को मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एंड कर दूं, क्योंकि सोचा तो मैंने व्लॉग बनाने का था, बट बन नहीं पाएगा, मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मम्मी अभी बाड़े में चली गई है पानी डालने, करिश्मा और मैं यहाँ पे, तो हम क्या ही कंटेंट शूट करें, और अंधेरा भी होने वाला है और हम थक भी गए हैं। तो वीडियो को करते हैं एंड। और आज बाय द वे बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक, बहुत भीड़ थी। लाइक आज मंगलवार है और संडे के दिन तो चलो बनता है सबका, ठीक है, बट आज क्यों इतनी भीड़ थी? और गली मोहल्ले में बिल्कुल भीड़ नहीं है, लाइक रायपुर से आते हुए बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बट रायपुर में बहुत भीड़ थी। मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी, बट अगर आप राजपुर रोड से ऊपर चल जाओ तो भीड़ नहीं थी। पता नहीं आज ऐसा क्या है। और वीडियो को करते हैं एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप सबको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट एंड बाय।